नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मेघा बरसेंगे की। दोस्तों, सीरियल मेघा बरसेंगे की आगे आने वाले ट्रैक होंगे बेहद खास, क्योंकि आप सभी के पसंदीदा शो मेघा बरसेंगे की कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब फाइनली हमारे अर्जुन और मेघा एक दूसरे के करीब आती नजर आ रही है, जो चीज नवजोत से देखी नहीं जा रही है। नवजोत इन दोनों की नजदीकियों को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी सिलसिले में उसने मनोज के साथ हाथ भी मिलाया है और काफी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन दोनों के सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है धरी की धरी रह गई, और इन दोनों की जो इश्क मोहब्बत का चैप्टर था वो थोड़ा आगे बढ़ गया। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ में आ गई, एक दूसरे से प्यार हो गया है। ऐसे में अब मनोज क्या करे और नवजोत क्या करे। देखिए, विलेंस तो अपनी चाले चलती रहते हैं, चाहे वो कितनी बार भी फेल हो, मगर अपनी कोशिशें करते रहते हैं और उन कोशिशों का पलटवार दो प्रेमी मिलकर करते हैं, और यहाँ पर भी वही होने वाला है। दरअसल सीरियल मेघा बरसेंगे की कहानी में आप लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सभी के प्यारे मनोज जो है वो अब मेघा पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने वाले हैं, उसकी करैक्टर पर उंगली उठाने वाले हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर देने वाले हैं, और उसकी इज्जत को बचाने के लिए मनोज आगे आने वाला है। और नवजोत जो है यहाँ पर हमारे अर्जुन को कसमों वसमों में बांध देती है, उसको किडनैप करवा लेती है, ताकि मेघा या इस कदर जलील हो जाए कि वो अपना मुंह दिखाने लायक ना रहे और कोई बड़ा कदम उठा के इस दुनिया से चल बसे। अब ये देखिए, नवजोत का ये गंदा प्लान और मनोज का ये गंदा प्लान क्या काबिल हो पाएगा, क्या ये सब कुछ कर पाएंगे दोनों, या फिर अर्जुन अपनी मेघा के लिए सारी मुसीबतों से लड़कर सब कुछ ठीक कर देगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।